पीथमपुर बाईपास पर हुआ भीषण हादसा, दो बसों में आमने सामने हुई जोरदार भिड़ंत, तीन लोगों की हुई मौत, 28 से ज्यादा लोग हुए घायल, 8 की हालत गंभीर। आईडीए में हुए 43 करोड़ के घपले की मंत्री को नहीं जानकारी, जंबो रेलवे ब्रिज के टेंडर में कंपनी द्वारा फर्जी दस्तावेज पेश करने का है मामला। सीए की छात्रा ने की खुदकुशी, फांसी के फंदे पर झूलता मिला शव, सागर निवासी छात्रा जावरा कंपाउंड में रहकर कर रही थी पढ़ाई। शहला मसूद हत्याकांड के आरोपी जाहिदा और सबा के आरोपों के बाद सकते में आई सीबीआई, विशेष अधिकारी ने की जेल के अंदर 5 घंटे से ज्यादा पूछताछ। पश्चिमी चक्रवात ने बदला मौसम का मिजाज, आसमान से बरसी राहत की बूंदे, मौसम हुआ खुशगवार। और गति नहीं पकड़ पा रहा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का कार्य, वाहन मालिक हो रहे परेशान, 5000 से ज्यादा वाहनों के रजिस्ट्रेशन अटके।